हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पर बना रहे हैं क्ले, और जिसका मैं अपने हर जो क्ले वर्क होता है मैं उसको यूज़ करती हूँ अपनी। सो सबसे पहले गाइस हम चौक ले लेंगे, जिसका हम अच्छे से चुकुर चुकुर करके चूरा सा कर लेंगे। देन हम इस पाउडर को एक बार छान लेंगे अच्छे से, ताकि हमें इसका प्रॉपर पाउडर मिल सके। फिर हम गाइस पानी लेंगे थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा पानी लेंगे। मैं तो यहाँ पर इस्त्री वाटर यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी नहीं रखूँगी, मैं बहुत मिनिमम सी वाटर की क्वांटिटी रखूँगी। जैसे कि आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं स्प्रे से वाटर कर रही हूँ, ताकि वो मुझे एक फोम मिल सके अच्छे से, वो ज़्यादा ना हो। एंड वॉइस क्वालिटी के लिए गाइस सॉरी, वॉइस क्वालिटी मुझे पता है बहुत ज़्यादा डाउन आ रही होगी। सो अगर आप चाहते हैं मेरी वॉइस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और जितना हम यहाँ पर पानी लेंगे उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल करना है। आप कोई सा भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम उस ग्लू को अच्छे से इस पाउडर में मिक्स करेंगे प्रॉपरली, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको बिल्कुल वैसे करना है, और आपकी एकदम सॉफ्ट और अच्छी से क्ले बन के तैयार हो जाएगी घर पर ही। सो हमने जो इसकी क्वांटिटी ली है पानी और ग्लू की, तो वो हमने इस हिसाब से ली थी है कि अगर हमने पानी की एक चम्मच डाली है, तो हमने ग्लू की 1.5 चम्मच यूज़ किया है इसमें। और अब आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सा ड्रो बन के तैयार हो गया है। और इसको सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और देखिए अभी अब मैं इसको अच्छे से एक बारी अपने हाथों से वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं इसको, आप देख रहे पा रहे होंगे ना, बस ऐसा सा कर लेंगे हम, और ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद ये सूखे ना मेन, वरना ये सूख जाएगा। तो हमने सूखने के लिए भी क्या है, अभी आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट, और ये अब सूखेगा मेन जल्दी से। तो ऐसा डो बना लिया। एंड डू लेट मी नो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। सब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी क्ले रेडी हो चुकी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें।